इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने राहुल गांधी का घेराव कर दिया है। लोगों की शिकायत थी कि राहुल गांधी के चुने जाने के बाद भी उनके क्षेत्र में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली रहती है। काफी देर तक लोग राहुल गांधी को घेरे रहे। राहुल ने जवाब में कहा कि वो बिजली कटौती के मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठा रहे हैं और इस पर उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा काफी देर तक बना रहा और वो राहुल से सवाल पूछते रहे। हम आपको बता दें, इससे पहले सोनिया गांधी रायबरेली गई थी अपने क्षेत्र में और वहां पर लोगों से उनका हाल जाना था, उनकी समस्याएं सुनी थी और अब राहुल अमेठी पहुंचे और यहां पर सुनिए लोगों का सवाल। राहुल जी का क्षेत्र है और बिजली ऐसे ऐसे दुनिया भर के लोग कहते हैं सब। चिट्ठी लिखी भैया ने? जी जी, बिजली का खास करके भैया बिजली दिलवाइएगा। 8 घंटे राहुल जी, वी यू टॉक टू पीपल इन द गवर्नमेंट हियर इन स्टेट? 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बहुत ज्यादा समस्या, बिजली आ नहीं रही है और 2-3-4 घंटे आती है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भैया बहुत ज्यादा कहते हैं कि राहुल जी का क्षेत्र है और बिजली ऐसे ऐसे दुनिया भर के लोग कहते हैं सब। चिट्ठी लिखी भैया ने? जी जी, बिजली का खास करके भैया बिजली दिलवाइएगा 8 घंटे। लोकसभा चुनाव के दौरान भाषणों में प्रियंका गांधी ने न जाने कितनी लंबी फेहरिस्त बनाई थी कि अपने चुनावी क्षेत्र में कितना कुछ काम किया है राहुल गांधी ने। मूलभूत जो सुविधा है, बिजली पानी, वो तक नहीं है। जनता परेशान है, राहुल गांधी चुप।